राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सभी चीजों पे निगरानी रख रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को जहां राहत सहायता सुविधा पहुंचानी है उसकी भी चिंता कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार वैसे क्षेत्रों में सक्रिय है जहां जलस्तर बढ़ रहा है और कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों भी जहां जैसी आवश्यकता है उसके लिए तत्क्षण लोगों को सहयोग करने को तैयार है। मंत्री जी, तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि कुछ चुनिंदा मंत्रियों को एक्स वाई जेड सुरक्षा पर कहा गया है कि कुछ चुनिंदा मंत्रियों को इंसेंटिव दी गई है, उनको इस पे उनको क्यों आपत्ति होती है? अपने जब उप मुख्यमंत्री थे तो किस प्रकार से राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग करते थे और सुरक्षा के नाम पर कितना बड़ा काफिला चलता था उसको वो भूल गए हैं क्या? और अपने ऊपर जिस तरीके से सरकार के साधनों का वो इस्तेमाल करवाते थे, मैं तो कहूंगा वो दुरुपयोग कराते थे। आज उनको अपने ही किए हुए चीजों को पहले याद करना चाहिए और उसके विषय में क्यों नहीं सफाई देते हैं कि वो क्यों सरकारी संसाधनों का और सरकार के सुरक्षा तंत्रों का इतना इस्तेमाल करते हैं। ये पेंशन स्कीम को लेकर ये एक बहुत ही सही और उचित निर्णय और बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण जो भारत सरकार के हमारे कर्मचारी हैं आज पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से उनके बीच में खुशी है और एक जो उनकी चिर प्रतीक्षित मांग कहें या उनकी सोच थी उसके अनुरूप भारत की सरकार ने निर्णय किया है और जो हमारे भारत सरकार के कर्मचारी हैं उससे उन सभी को इससे बहुत लाभ है।